हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ गोभी एक बहुत ही अलग तरीके से, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें हमें कोई और सब्जी डालने की जरूरत नहीं है, ये गोभी का अपना ही टेस्ट आता है, एकदम यूनिक सब्जी बनकर के तैयार होती है। इसमें डालेंगे हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस गोभी को बना देगा बहुत ही खास, और ये गोभी थोड़ी से अलग तरीके से भी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो फूल गोभी। गोभी को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसके बड़े बड़े फूल हमें निकालने हैं इस तरीके से। ज्यादा बारीक गोभी हमें नहीं करनी, छोटे टुकड़े नहीं करने। तो इसके फूल मैंने बड़े बड़े काटे हैं और काट के मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब गोभी को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है, साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून नमक। और पहले हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद जब लगे कि गोभी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो ढक करके 3 से 4 मिनट गोभी के हल्का सा सॉफ्ट होने तक, मतलब ये 80% तक सॉफ्ट हो जाए इतना हमें पका लेना है। ढक करके हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, देखिए गोभी जो है हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हुई है, 80% तक ही हमें सॉफ्ट करना है। तो देखिए ये कलछी से दबाने पर टूट रही है, इतना ही हमें सॉफ्ट करना है, गलाना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में जो ऑयल है इसको हम कम कर देंगे और इसी में हम बाकी का तड़का लगाएंगे। तो तेल को मैंने कम कर दिया है और थोड़ा सा तेल इसमें छोड़ दिया है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई अदरक। आप चाहें तो इसे कूट के या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अदरक को फ्राई कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च को, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया है, और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसकी पहचान ये होती है कि अभी देखिए टमाटर जो है अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो टमाटर का ये जो पेस्ट है, जो ये चॉप्ड टमाटर हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे और इसमें से ऑयल जो है रिलीज होने लगेगा। तो देखिए टमाटर जो है अच्छे से भुन गए हैं, देखिए इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज हो गया है, पानी इसका जो है ड्राई हो गया है। तो अब हम यहाँ डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक। 1/2 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था ताकि गोभी में नमक का फ्लेवर आ जाए। अब 1/2 टेबलस्पून मैं अब डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, और क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है। मसाले आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से। पानी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को ताकि उसका ऑयल रिलीज हो जाए। मैंने जिसमें चॉप किया था टमाटर को उसी में 1/4 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है, और डाल करके मसाले को अच्छे से भून लूंगी मैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, मसाले से ऑयल रिलीज हो गया है। तो अब यहाँ डालेंगे हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है पिज्जा टॉपिंग। पिज्जा टॉपिंग इस सब्जी को बना देता है बहुत खास, जो खाने में बहुत ही टेस्टी तो लगती ही है। और इसको आप एक बार बनाएंगे और सबको खिलाएंगे तो सबको ये बहुत पसंद आएगी, आप इसको डेफिनेटली बार बार जरूर बनाएंगे। तो 1/2 टेबलस्पून पिज्जा टॉपिंग मैंने डाला है इतनी गोभी में, और डाल करके हम भून लेंगे इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से। अब यहाँ डालेंगे 1/2 कप के करीब दूध। दूध डालने से पहले हमें गैस को बंद कर देना है और 1 मिनट तक ग्रेवी को थोड़ा सा नॉर्मल हो देना है। बिल्कुल गर्म ग्रेवी में दूध डालेंगे तो दूध फट सकता है। तो गैस बंद करने के बाद 1 मिनट हो गया है लगभग, तो अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ दूध। दूध डाल के हम यहाँ पे अच्छे से दूध को मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इसको भी 4 से 5 मिनट। तो दूध भी अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे डालेंगे हमारी फ्राई की हुई गोभी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने मसाले के साथ में गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैं 1/2 कटोरी के करीब यहाँ पानी डाल रही हूँ और ढक करके करीब 5 से 7 मिनट मैं गोभी को अच्छे से पका लूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो देखिए चेक कर लेते हैं गोभी को, ये देखिए हम अब देख रहे हैं तो गोभी एकदम से बढ़िया बन गई है। इसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बनी है, और जो हमने 20% गोभी छोड़ी थी कच्ची, वो देखिए वो इसमें पक गई है और एकदम से बढ़िया खिली खिली गोभी बन गई है। इसकी ग्रेवी भी एकदम बन गई है बढ़िया। आप चाहें तो इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है वो और कम कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें हमने बाकी चीजें डाली है जैसे कि पिज्जा टॉपिंग है, दूध है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल आ ही जाता है। तो गोभी को सर्व कर लेते हैं और गार्निश कर देते हैं इसे हरे धनिए से। और ये देखिए हमारी गोभी बन करके तैयार है, एकदम बढ़िया गोभी बन करके तैयार हुई है। इसे मेहमान जब आए आप इसे तब बना सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत बढ़िया एकदम जल्दी तरीके से बनती है गोभी।
और खाने में बिल्कुल अलग और एक यूनिक और एकदम बढ़िया टेस्ट देती है। किसी और सब्जी को डालने की इसमें ज़रूरत होती ही नहीं है। आप एक बार इस तरीके से गोभी जरूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।